हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक इजी विद साक्षी। आज की मेरी रेसिपी है पनीर लवर्स की रेसिपी, जिसका नाम है शाही पनीर। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। ये मैंने दो अनियन लिए हैं जिनको रफली चॉप कर लिया है। रफली चॉप 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, 3 से 4 काजू, 3 से 4 बादाम, 2 टुकड़े अदरक के, 4 से 5 क्लव्स लिए हैं मैंने गार्लिक, और 3 लिए हैं मैंने लाल मिर्च। और इसको हम अपना इंडक्शन ऑन करेंगे और इन सारी चीज़ों को डाल देंगे इसमें। और इसके साथ साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 ग्लास पानी, 10 से 12 मिनट के लिए, जब तक हमारी सारी चीज़ें सॉफ्ट ना हो जाए। 10 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, टमाटर, प्याज और सारी चीज़ें अच्छे से गल गई हैं। आप चेक करेंगे तो टमाटर की जो स्किन है वो भी बाहर आने लगी है। इसी स्टेज पे हम इसको निकाल लेंगे और एक ब्लेंडिंग जार में डाल लेंगे। सारी चीज़ों को ठंडा करके मैंने ब्लेंडर में डाल लिया है और अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। साथ ही साथ जो पानी था हम उसको भी वेस्ट नहीं करेंगे। ये मैंने एक ग्लास के अंदर डाल लिया है और जब हम ग्रेवी बनाएंगे तब इसको यूज़ करेंगे। और अब हम सेम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, लगभग 2 टेबल स्पून। और अब इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तेल के बाद इसमें ऐड करेंगे हम 2 इलायची, जिनको मैंने बीच में से हल्का सा, आप देखेंगे तो ओपन कर लिया है। साथ ही साथ इसमें डालेंगे हम 2 क्लव्स और डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। सॉटे करेंगे अच्छे से 30 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, साथ ही साथ चुटकी भर हल्दी। ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर और इन सारी चीज़ों को अच्छे से चला देंगे। 1 मिनट तक मसालों को अच्छे से भून लेंगे इसके साथ। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था, प्योरी टमाटर प्याज आलमंड्स की, इसको भी अच्छे से सॉटे कर देंगे। ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून शाही पनीर मसाला, ये कैच का शाही पनीर मसाला यूज़ किया है मैंने। और अब मसाला भुनने तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे 10 से 12 मिनट, जब तक साइड से घी ना छोड़ने लगे हमारा मसाला। मसाला अच्छे से पक चुका है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाटर। ये वही वाला वाटर यूज़ किया है मैंने जो स्टोर करके रखा था। और अब इसको अच्छे से चला देंगे। 1 गिलास पानी ही बहुत है, इससे ज़्यादा आप इसमें ना डालें। आप देखेंगे बीच में मेरी ग्रेवी में आपको कुछ पीसेस दिखाई दे रहे होंगे, तो वो मैंने काजू के 2-3 पीसेस हैं उनको मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि बीच में काजू का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और अब इसको हम दोबारा से ढक के पकाएंगे 6 से 7 मिनट। अब बारी है 2 बड़े चम्मच दही की। ये डाल दी मैंने दही, अच्छे से चलाएंगे 1 मिनट लगातार इसको। और दही के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम, या दूध के ऊपर की मलाई यूज़ कर सकते हैं आप। ये मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो दूध के ऊपर की मलाई यूज़ कर रही हूँ। 2 से 3 बड़े चम्मच मलाई आप डाल सकते हैं इसके अंदर इस तरह से। इसको भी अच्छे से चला देंगे। देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आया है ग्रेवी का, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और दोबारा से इसको हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे ग्रेवी को।
3-4 मिनट अच्छे से और ग्रेवी को पका लिया है। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर आया है इसका, ये दूध की मलाई की वजह से ही आया है। और अब इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 टेबल स्पून कार्डमम पाउडर, इसको भी अच्छे से चला देंगे। डालेंगे 1/2 चम्मच से भी कम थोड़ा सा गरम मसाला, मिक्स करेंगे अच्छे से। और लास्टली इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। सॉल्ट हमने इसलिए लास्ट में ऐड किया है क्योंकि मैंने इसके अंदर दही और क्रीम डाला है। अगर आप इसको पहले से ही सॉल्ट इसमें ऐड कर देंगे तो जो आपकी दही और जो क्रीम है उसकी वजह से आपकी पूरी ग्रेवी ख़राब हो जाएगी, आपकी ग्रेवी फट जाएगी। और अब इसको थोड़ा सा स्वीट टच देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून हनी। हनी को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे हम पनीर की क्यूब्स। ये 200 ग्राम्स पनीर लिया है मैंने, जिनको क्यूब शेप में कट कर लिया है। आप चाहें तो आप इसको ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं। इसको डाला इसके अंदर, चलाएंगे अच्छे से। और अब इसको लास्ट हम फाइनली पकाएंगे ढक के 5 से 6 मिनट और। 5-6 मिनट और अच्छे से ग्रेवी को पका लिया है। और अब इस पे हम ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। और एक सर्विंग बोल में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो फाइनली शाही पनीर इज रेडी टू सर्व।